नमस्कार, हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स, आज हम निष्ठा स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो निष्ठा स्कीम है ये समग्र शिक्षा के अंडर आती है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये 2019-20 के बीच में, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2019-20 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस सेशन से ये स्कीम लॉन्च की गई थी और आपको पता है कि 2018 से जो सर्व शिक्षा अभियान है वो समग्र शिक्षा अभियान बन चुका है। तो ये समग्र शिक्षा अभियान के अंडर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत सरकार इसको स्पॉन्सर करती है। और ये एक्चुअली स्कीम बेसिकली तो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ताकि टीचर्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डिवेलप हो सके। इसके अंडर 4.2 मिलियन टीचर्स, इसका जो गोल है 4.2 मिलियन टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कि जो टीचर्स हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको और निखारा जा सके। और इसके अंदर 42 लाख टीचर्स इसको कवर करने हैं। और इसका जो मेन गोल है यही कि टीचर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं या हेड्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनकी भी जो उनको भी अच्छे काउंसलर्स बनाना स्टूडेंट्स के लिए, ये भी इसका एक गोल है। और जो टीचिंग है वो एक तरह की जॉयफुल एक्टिविटी हो जाए, तब बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, पढ़ाना अच्छा लगे टीचर्स को भी और बच्चों को भी पढ़ना अच्छा लगे। और इसका जो मॉड्यूल है वो एक्टिविटी बेस्ड है और स्कूल के अंदर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाना चाहिए इस चीज के लिए है। और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे बच्चों की काउंसलिंग करनी है ये भी इसमें सिखाया जाता है।